बांका जिला के कटोरिया थाना क्षेत्र के खाड़ी पर ललमटिया गांव में खूनी संघर्ष में हत्यारे ने छुपकर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे घटनास्थल पर दो लोगों की मौत हो गई और एक महिला जख्मी है। घटना कटोरिया थाना क्षेत्र के खाड़ी पर टोला ललमटिया राय टोला की है। इससे पहले हत्यारे के परिजन की सोती अवस्था में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई थी। उसी बदले की भावना से दोनों की हत्या की गई। मौके से हत्यारे के घर परिवार वाले फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ प्रेमचंद्र सिंह, इंस्पेक्टर व थानाध्यक्ष पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों सब को थाना भेजा। वहीं जख्मी महिला का रेफर अस्पताल कटोरिया में इलाज चल रहा है। मामला 18 बीघा जमीनी विवाद का है, जबकि दोनों मृतक दो माह पूर्व जेल से छूट कर ही घर पहुँचे थे। काटी दलो छे जमीन के विवाद मारल के हमरो विनोद राय हमरो परिवार कैट दलो छे आरो हमरो गोतनी मारला छे गोतनी मार दलो छे आरो गोतनी हॉस्पिटल आरो की कहे भेसुर बेटा करो और भेसुर बेटा मार दलो छे। मेरा महिला पापा और भैया आया था घर यहाँ पर देखने के लिए, तो ये सब देखने को पंचायत को बैठा लिया। और मेरा मम्मी का और मेरा भैया का और मेरा बड़का पापा का आ गया और वहाँ पर टेक लिया का था, क्या तुम कौन था मजार चौथ हमको रोकने वाला? अब जमीन था जो जोतने वाला वो जोत रहा था भाई, हमको महिला भैया महिला पापा और भैया बोलता था क्या अभी नहीं जोतना, अभी जेल से भी निकलना नहीं है थोड़ा थोड़ा, तुम तो क्यों जोतता ये बोल के और पकड़ के और मेरा भैया को यह बात बोल के जा रहा था घर, कल के कि यहाँ पर रहेगा तो मार को कार को खोल मर्डर कर देगा, चलो यहाँ से निकलो जल्दी। निकलने लगा तो वहाँ पर टेक लिया और मेरा पापा का महिला पापा को पकड़ दिया नरेटिया और प्रकाश राय और मेरा महिला पापा का मार दिया, मार के तब मेरा भैया को रगदन के मार लिया, मेरा मम्मी को फिर मार दिया। बीते मंगलवार को मदरसा में हुए बम विस्फोट को लेकर तीसरे दिन डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर मामले की सफाई दी। इस बाबत डीएम सुहर्ष भगत ने बताया कि मदरसा में जो विस्फोट हुआ है वह रैयती जमीन पर अवस्थित है और मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मदरसा करीब 20 वर्ष पुराना है, इसके मृतक इमाम पिछले 10 वर्ष से इस मदरसे में क्षेत्र के लड़कों को तालीम देने के साथ साथ मस्जिद में नमाज अदा भी करते थे। आगे एसपी ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटना की जांच में जुट गई थी और घटनास्थल से मौजूद साक्ष्य इकट्ठे करने का कार्य कर रही थी। उन्होंने बताया कि बम विस्फोट मदरसा में ही हुआ है, जो मदरसा के अंदर एक कंटेनर में रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि बम विस्फोट से ही मदरसा की दीवार गिरने से मदरसा का छत गिरा था। उन्होंने कहा कि अभी तक जो जांच एजेंसियां काम कर रही है उसके आधार पर प्रथम दृष्टया कोई शक्तिशाली विस्फोटक का साक्ष्य नहीं मिल पाया है, बल्कि मलबे से बरामद साक्ष्य देसी बम का प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक की जाँच में कोई आतंकी संगठन या कोई मॉड्यूल से संबंध होने का भी कोई सबूत नहीं मिलने की बात करते हुए बताया। SFL द्वारा लिए जांच रिपोर्ट के आधार पर बताया जा सकता है कि विस्फोटक का प्रकार कितना मारक था। साथ ही ये भी बताया कि हमारी 3 टीम इस मसले की जांच में जुटी है, जो जल्द ही घटना के पीछे के सच को सामने लाते हुए आरोपी की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, जिससे इसकी पुष्टि होगी। कई तरह की बातें हम लोग देख रहे हैं कि चल रहा है कि IED हो सकता है या है, अभी तक इस तरह का कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है उस घटनास्थल पर जिसको हम IED कहें, क्योंकि IED में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग बहुत विस्तार से कई लोग लिख रहे हैं चल रहा है IED में उसका रिमोट होता है, उसकी बैटरी होती है, उसका तार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं से इन सब चीज़ों का को हम लोग कहीं से कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोग बिल्कुल अभी इसको रूल आउट, इस तरह का कोई IED का एविडेंस हमारे पास नहीं है जिससे कि हम लोग कहें कि कोई ऐसी घटना है। हाँ, जो देशी बम का एविडेंस है वो पूरी तरह से हम लोग को मिला है, ATS की टीम को भी मिला है। बारूद कैसे ब्लास्ट किया ये जांच का विषय है, बारूद कितना था, बम कितने थे ये जाँच का विषय है, क्योंकि बम जिस कंटेनर में रखा हुआ था उसका भी हम लोगों ने एग्जिबिट के रूप में जब्त किया, क्योंकि वो बम कंटेनर से फटा, एक कंटेनर वहाँ रखा हुआ था, उसी कंटेनर में वो बम था, संख्या जो भी हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी क्या हुई, एक्सप्लोसिव कितना था, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं और यही कारण है कि जब दीवार से सटा हुआ था तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी दीवार पर हुआ और दीवार गिरने से वो छत गई।
जो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ ब्लास्ट होने से पूरा छत उड़ गया, ऐसा नहीं हुआ। ब्लास्ट से वो दीवार गिरी है और पूरा का पूरा छत बैठ गया नीचे एकदम स्ट्रेट। हम लोग आज जो देख रहे हैं टीवी पे या अन्य जगहों पर लग रहा है कि पूरा मलबा बन गया है, मलबा तो बनाया गया, हम लोग उसको जांच के क्रम में जो हटाए उस क्रम में, इसलिए वो मलबा उस रूप में नहीं था, छत गिरा मुख्य कारण उसका वही था। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इमाम साहब का आ गया है, उसका भी हम लोगों ने गहन अवलोकन किया है, उनके मृत्यु का कारण डिफरेंट इंजुरीज है। अमरपुर नगर पंचायत में आयोजित मासिक बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता की अनुपस्थिति में आक्रोशित वार्ड पार्षदों ने ताला जड़ दिया। सूचना मिलने पर करीब 3 घंटे के बाद कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आक्रोशित पार्षदों को बताई कि आवश्यक कार्य के लिए बांका SDM सर के पास गई थी, जिसकी सूचना कार्यालय में दे दिया गया था। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी ने आक्रोशित पार्षदों को समझाते हुए शांत कर बैठक को शुरू किया। बैठक में वार्ड नंबर 3 के पार्षद राधा देवी ने कहा कि 1.5 वर्ष पूर्व संवेदक मनीष कुमार झा के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत मेरे वार्ड में कार्य किया गया था, आज तक वार्डवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। 1.5 वर्ष पूर्व भी PHED विभाग के द्वारा मेरे वार्ड में शेख टोला में कार्य किया गया था, लेकिन पानी आज तक नहीं मिल पाया। वार्ड नंबर 12 के पार्षद पति सदानंद महतो ने बताया कि चुनाव के बाद से आज तक वार्ड नंबर 12 में एक भी योजना नहीं दिया गया है। आवास योजनाओं में कर्मियों द्वारा खुलेआम लूट मचाई जा रही है, जबकि वार्ड नंबर 10 के पार्षद सुनील शाह ने अपनी वार्ड में रोशनी, गली, नाली, मोटर, जल जाने एवं लाभुकों को आवास योजना की राशि अविलंब देने की मांग की, जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने मौजूद सभी पार्षदों को अपनी अपनी योजना मापी के साथ लिखवाने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पति अजीत भगत, उप मुख्य पार्षद मौलाना अहमद, वार्ड पार्षद शंकर महतो, संजीव कुमार, रवि भगत, पार्षद पति नरेश मोहन शाह, दीप नारायण मंडल, संतोष झा समेत नगर पंचायत के सभी वार्डों के पार्षद व कार्यालय कर्मी उपस्थित थे। मंदिर जाने के रास्ते में एक गड्ढा खोद दिया है, यहाँ से JCB गया, खोदने नहीं दिया, लौट के चला आया, उसको गड्ढे को भरवा दिया जाए, हम बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं। आज आप लोग की यहाँ बैठक थी? बैठक में तो बैठक मैडम है नहीं यहाँ, आप लोग इसका भी उनको कुछ सूचना, उनके विरुद्ध में तो वही है कि स्टेटमेंट सबसे लेके ऑफिस बंद कर दिया गया है। तो किसी घर में या घर में पहने जा रहा है मनीष झा, अच्छा संवेदक, हाँ, और जो पाइप जो बिछाया ऊपर में बिछा दिया है और उसमें DPC भी नहीं किया, जो गड्ढा उसमें बच्चा लोग गिर भी जाता है। हम कहते परेशान हो गए, 1.5 साल से कोई सुनवाई नहीं करता है, नगर पंचायत भी कोई ध्यान नहीं देता। कहाँ में पाइप बिछाया? टोटी टोला में, अगर पानी नहीं जा रहा है, लगवा दिया है नल लेकिन पानी नहीं जा बांका जिला के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के छौटी कैथा गांव में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों की मारपीट में घटना से एक 60 वर्षीय महिला रमा देवी की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतिका के पुत्र जयकरण सिंह ने अपने ही पड़ोसी सुबोध सिंह, सिंटू सिंह, राम भज्जो सिंह पर मारपीट कर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए फुल्ली डूमर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि वह सभी अपने घर पर थे। यह सभी बच्चे आरोपी अपने हाथ में लाठी डंडा हथियार लेकर घर पर आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इसी बीच बीच पचाव करने आए मेरे भाई, चचेरे भाई एवं मेरी माँ रमा देवी आई तो सभी लोगों के साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान सुबोध सिंह ने मेरी माँ रमा देवी को ईंट से सीने में मार दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। इस बीच पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच करीब 1 वर्ष से बराबर मारपीट की घटना होती रहती थी।